Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीक स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य। तो आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आज ये हमारा जो है भाग वन रहेगा। इसमें देख लीजिए, सबसे पहली चीज़ तो आप ये देख लीजिए कि जो बाघ दिवस है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं, हमने जो है हर जगह के जो इम्पोर्टेंट हैं सारे जो है हमने यहाँ पे लिखा है और ट्रिक भी हमने नीचे लिखी हुई है। जैसे असम की अगर बात करें तो असम में जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सखोबा राष्ट्रीय उद्यान, मानस नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, गर्म पानी वन्य जीव अभ्यारण्य। इसमें जो है देखिए, काजीरंगा जो है वो आपके गेंडे या एक सिंघी हिरण के लिए मशहूर है, और जो जंगली मतलब एक सिंघी गेंडे के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क मतलब की मशहूर है। वहीं जंगली घोड़े की बात की जाए तो डिब्रू सखोवा राष्ट्रीय उद्यान, सुनहरे लंगूर की बात की जाए तो वो मानस नेशनल पार्क में पाया जाता है। वहीं अगर ओरांग की नेशनल पार्क की बात की जाए तो बाघ जो है यहाँ पे पाए जाते हैं, और गर्म पानी वन्य जीव अभ्यारण्य इसमें जो है आपका काजीरंगा और डिब्रू सखोवा और मानस, ये तीन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आइए हम इसकी ट्रिक देखते हैं। तो मानस गर्म पानी की तलाश में सोना रूपी काजी के पास गया। तो मानस का मतलब मानस, गर्म पानी का मतलब गर्म पानी वन्य जीव अभ्यारण्य, तलाश यहाँ पे कुछ नहीं, सोना मतलब देखा सोना रूपी काजी के पास गया। तो काजी मतलब काजीरंगा, ठीक। तो ये है हमारा इसकी ट्रिक कि मानस नेशनल पार्क, गर्म पानी नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये है। आगे चलते हैं, अगला जो हमारा आंध्र प्रदेश का है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हमारा आंध्र प्रदेश में है। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। कोरिंग वन्य जीव अभ्यारण आंध्र प्रदेश में है। उसी तरह कृष्णा वन्य जीव अभ्यारण भी आंध्र प्रदेश में है। इसमें इम्पॉर्टेंट की बात करें तो कोरिंग वन्य जीव अभ्यारण इम्पॉर्टेंट है, और एक और रोल पांडु वन्य जीव अभ्यारण भी आंध्र प्रदेश में है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको बाद में भी साइड में भी लिख दिया है। इसकी अगर ट्रिक की बात करें तो पापी को श्री कृष्णा वेंकटेश्वर कोरिंग करेंगे। पापी को श्री कृष्णा वेंकटेश्वर कोरिंग करेंगे। तो पापी को मतलब कि पापीकोंडा, श्री कृष्णा मतलब कृष्णा वन्य जीव अभ्यारण, वेंकटेश्वर मतलब वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, और कोरिंग मतलब कोरिंग वन्य जीव अभ्यारण। फिर वहीं आगे देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में जो है कि कौन कौन सा है, देखिए मालंग नेशनल पार्क, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारा बाघ के लिए प्रसिद्ध है, कामलांग वन्य जीव अभ्यारण्य और पक्कुई वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी हमारा बाघ के लिए है। तो इसमें ये तीन जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नामदफा, कामलांग, पक्कुई, ये तीनों आपके कहाँ पे हैं, अरुणाचल प्रदेश में हैं। वहीं अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में देखिए कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में आपका राजा जी नेशनल पार्क, ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क, ये भी बाघ के लिए प्रसिद्ध है, 2015 में जो है इसका निर्माण हुआ था। गंगोत्री नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, और इसको जो है यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया है। उसी तरह मालन पशु विहार जो है, ये भी मालन पशु विहार है, और ये जो आपका नंदा देवी है ये हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। इसकी ट्रिक देखें तो देखिए, उत्तराखंड में गोविंद नाम का व्यक्ति जिम गया जहां राजा जी ने माला पहनाकर गंगोत्री भेज दिया। तो उत्तराखंड में गोविंद नाम का व्यक्ति, तो गोविंद मतलब गोविंद पशु विहार, और नाम का व्यक्ति जिम गया, जिम का मतलब जिम कार्बेट, जहां राजा जी मतलब राजा जी नेशनल पार्क माला पहनाकर, तो मालक मतलब फूलों की घाटी, और गंगोत्री भेज दिया मतलब गंगोत्री नेशनल पार्क। तो ये जो हमारे थे ये हमारे उत्तराखंड में थे। अगला देखिए, अब एक चीज़ और समझ लीजिए, 2019 में जो बाघ की जनगणना हुई थी उसके हिसाब से 2967 बाघ भारत में हैं, 2967 बाघ भारत में हैं, और इसमें बात करें तो मध्य प्रदेश में 526 हैं, कर्नाटक में 524 है, उत्तराखंड में 442 है, तमिलनाडु में 212 है, वहीं महाराष्ट्र में 312 है। तो पहले नंबर पर हमारा कौन सा है,
पहले नंबर पे हमारा महाराष्ट्र मध्य प्रदेश है। अब चलिए देखते हैं हिमाचल प्रदेश का जो उद्यान है वो क्या है। पिनवैली राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में है और यूनेस्को की धरोहर सूची में ये शामिल भी है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट भी है। आगे देखिए इंदर किला नेशनल पार्क, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये सब हमारे हिमाचल प्रदेश में है। इसमें आपको ये याद करने की बहुत ज़रूरत है और ये पहला, ये दूसरा और तीसरा आप जरूर याद करिएगा। वहीं अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में देखिए सतकोसिया टाइगर रिजर्व, ये भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे एस्चुरिन मगरमच्छ पाए जाते हैं, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में एस्चुरिन मगरमच्छ पाए जाते हैं। वहीं सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य, ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नंदन कानन वन्य जीव अभ्यारण्य और चिल्का अभ्यारण्य, ये सब उड़ीसा में पाए जाते हैं और ये तीन जो है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे देखिए छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में आपकी हो जाएगी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, काजर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, संजय गुरु घोसीदास राष्ट्रीय उद्यान, तो संजय राष्ट्रीय उद्यान केवल आप इतना याद रखिएगा, सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य और बादल खोल वन्यजीव अभ्यारण्य, इसमें इम्पॉर्टेंट जो है इंद्रावती है, सीता नदी, ये दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी अगर हम ट्रिक की बात करें तो इसकी ट्रिक हो जाएगी छत्तीसगढ़ में बादल फटने से सीता नदी में बाढ़ आ गई। क्या बताया हमने कि छत्तीसगढ़ में बादल फटने से सीता नदी में बाढ़ आ गई और संजय एवं इंद्रावती बह गए। तो ये इसकी ट्रिक हो जाएगी क्या कि छत्तीसगढ़ में बादल फटने से सीता नदी में बाढ़ आ गई और संजय और इंद्रावती बह गए। तो छत्तीसगढ़ का मतलब छत्तीसगढ़ में और बादल फटने से कहाँ पे सीता नदी, तो सीता नदी हो जाएगा और बाढ़ आ गई और संजय एवं इंद्रावती बह गए, मतलब संजय और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। वहीं आगे हम बात करें कहाँ की, गुजरात की, तो गुजरात में सबसे इम्पॉर्टेंट जो बनता है वो गिर वन्य जीव अभयारण्य का बनता है, ये हमारा एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। काला हिरन नेशनल पार्क, वारदा नेशनल पार्क, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये पिछली बार पूछा गया था 2018 में स्टेनोग्राफर की परीक्षा में। फिर भारतीय जंगली गधा अभयारण्य, ये भी हमारा गुजरात में है। तो आज का हमारा टॉपिक था वन्य जीव अभयारण्य का पार्ट वन। कल हम लोग जो शेष राज्य बचे हुए हैं वहाँ के अभयारण्यों की चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।